अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो भाईजान की बात करें, सलमान हाँ मजामा केम छो मजामा। तो हर लैंग्वेज इंडिया की बहुत मज़े की है, बहुत ही खूबसूरत है, मीठी है। आज सलमान खान के 90s के सॉन्ग्स ले आए हैं और वो दौर ऐसा था, ओवरऑल देखा जाए तो वो टाइम भी अच्छा था। अच्छा, मैं काफी टाइम से सोचूं कि वो कौन सा टाइम था इसमें शर्ट उतार देते थे कि एक बड़ा फेमस था। 90s में भी होता था, 2000 में भी होता था, अब कम कर दिया, अभी भी आ जाते हैं, बट तब तो इन्होंने स्टार्ट किया था वो। और 90s का टाइम स्ट्रेस, मेरे ख्याल से स्ट्रेस फ्री था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर नहीं किया था, लोगों की पर्सनल लाइफ वो प्राइवेट ही थी, अब तो सब कुछ ओपन है, मूवीज़ अच्छी थी, गाने अच्छे थे। तो टॉप 22 ओल्ड सॉन्ग्स हैं हमारे पास सलमान खान के TB वीडियोज़ चैनल से, देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। काफी हमने देखे भी थे टॉप 100 सलमान खान के, लेकिन वो 90s के नहीं थे, ओवरऑल थे। दिस लिस्ट इज नॉट इन ऑर्डर। ओ जाने जाने ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आज जिंदगी। इस टाइम पे भाई जी जूनियर की बॉडी थी और संजय दत्त बंदा है, ये खुद से बेगाना हाय राम कुड़ियों का है जमाना। पहली फिल्म सूरज का पूरी मूवी जन्मों के साथ थी। हम साथ साथ हैं, ऐसे से फिल्म में हो सकता। इस मूवी के सारे गाने बहुत मजे के थे। मूवी देखी है, बहुत मजे की थी। मूसा कहते थे बीबी। ये हेलो ब्रदर, अच्छा वो चोरी चोरी चुपके चुपके ब्रेसलेट कितना टाइम चल रहा है। ये लकी ब्रेसलेट मार ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। हर टाइम पे स्मार्ट कितने स्मार्ट थे, चाहे पहली मूवी हो चाहे अभी की तक। देखो टाइम कितना गुजरता जाता है ना, टाइम के साथ से कितना बंदा चेंज होता जाता है। और शुक्र है वो गाने थे जो हमने शायद नहीं पिछले दिनों हम जो सीरीज देखी ना उनमें नहीं थे। और जाने जाना सबसे पहले वही आया था। आज तक वो गाना सुनोगे वो बोरिंग नहीं लगेगा, आउट ऑफ मतलब आउटडेटेड नहीं लगेगा। वाहिद वो एक्टर हैं कि जिनकी हर मूवी जो आती है उसका स्टेप, उसके उनके मतलब गेटअप, सब कुछ जो है कॉपी किया जाता है। इवन कि चुलबुल पांडे वाला याद है, वो जो लोग गॉगल्स पीछे पहनना शुरू करते हैं, फिर एक दबंग, फिर बहुत सारे मतलब ये सलमान खान, वो हमने वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला था कि चलती फिरती इंडस्ट्री खुद हैं, जो थे ना वो आपकी अदालत वाले के वो खुद हैं, इंडस्ट्री हैं। तो बहरहाल ये फिल्म सारी हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, ये सारी फिल्म्स भी बहुत अच्छी थी। और इनके बीवी नंबर वन की हम बात कर रहे थे कि पहले मेरा भाई
देखा करता था बचपन में छोटे होते, एक बार ख़त्म होती थी फिर लगा लेता था, फिर ख़त्म होती थी फिर। अभी मुस्तफ़ा जो है इस गाने से शायद वो, क्योंकि इसमें बच्चे आते हैं मज़ेदार, क्योंकि वो बीबी नहीं, वो कहते बीबी, बीबी नंबर वन। तो गाने बहुत अच्छे और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, उस टाइम की मूवीज़ बहुत अच्छी। तो मैं तो देख रहा था कि किस तरह से वो देखा है पहली बार, हर गाने में इनकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी। बाकी है कि आज सलमान खान की बात हो रही है, तो आपको बताऊं सलमान खान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि A.R. मुरुगदॉस जो कि गजनी के डायरेक्टर हैं और साजिद नडियाडवाला जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है सलमान खान का। तो देखते हैं और कब वो आता है, अब तो शूटिंग वूटिंग स्टार्ट होगी और कब हम सलमान खान से मिल पाएंगे। हाँ, वो दुबई में हो सकता है, वो तो दुबई या किसी बाहर के मुल्क में हो सकता है। बहरहाल अगर ऐसा हो गया मैं तो फेंट हो जाऊंगी। यू नेवर नो, कभी भी कुछ अच्छा हो सकता है, आप एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे होते हैं तो वो चीज़। तो इसी तरह आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे सलमान खान की भी और डिफरेंट डिफरेंट भी, अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो। यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और माय व्लॉग्स में जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए लाएंगे नए नए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन डेली, तब तक के लिए अपना जैसा ख्याल।